ਹਸਲਾਏ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਚ ਜਿੱਤ ਲਿਓ ਬਾਜ਼ੀ। आम तौर पर हम भारतीय क्रिकेटर्स के मुंह से यह अक्सर सुनते आए हैं कि भारत पाकिस्तान मैच जो है एक मैच है, कोई विशेष नहीं है, और ये बात आज विराट कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है। लेकिन क्या ये वास्तव में एक मैच ही है, महज मैच भर है? क्योंकि 1.5 अरब जो आबादी है दोनों मुल्कों की, उनके जज्बात इस मैच पर जुड़े होते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल आज मौजूद है। सैयद किरमानी साहब, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य, विराट कोहली साहब के कोच राजकुमार जी, अंशुमन गायकवाड़ साहब जो पूर्व कोच सिलेक्टर और भारतीय खिलाड़ी और 1999 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य, और हमारे कोच साहब और उनके कोच 99 के कोच दोनों साथ में मौजूद, निखिल चोपड़ा। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा राजकुमार जी, क्या कहेंगे आप? विराट ने भी यही कहा है कि एक मैच को स्पेशल कैटेगरी में रखना ठीक नहीं होगा, और भावनाओं का उफान अपनी जगह है, लेकिन ये एक मैच ही है। नहीं, बिल्कुल ठीक है विराट ने, और अगर इसी मनोस्थिति के साथ खेलेंगे हम लोग तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। अगर आप प्रेशर लेकर जाते हैं कि नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है, हमें जीतना है, तो वो आप अपने नर्व्स नहीं कंट्रोल कर पाते और कहीं ना कहीं एक्साइटेड होकर कुछ गलत काम भी कर सकते हैं और कुछ मैच का नतीजा गलत भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि विराट ने कहा है, इसे एक किसी और मैच की तरह ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। इंटेंसिटी ज़रूर यहाँ पर रहेगी, कहीं ना कहीं प्रेशर तो प्लेयर्स के ऊपर भी होगा क्योंकि फैंस इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप जितना अपनी नर्व्स कंट्रोल करोगे आप उतना ही अच्छा खेलेंगे। किरमानी साहब, ये क्या मुमकिन है जैसा ये कह रहे हैं कि एक मैच को मैच की तरह ही रहने दो? क्या भावनाओं का जो उफान होता है, हर तरफ यही चर्चा होती है। जैसे वसीम अकरम साहब एक दिन कह रहे थे कि भाई घर में उठता हूँ तो घर में माँ बोलती है कि ये मैच जीतना ज़रूर है, बाहर जाता हूँ कोई व्यक्ति मिलता है तो वो कहते हैं मैच जीतना ज़रूर है। क्या इन सब चीज़ों से दबाव खिलाड़ी पर नहीं पड़ता, उसके लिए मैच स्पेशल नहीं बन जाता? जैसे कि राजकुमार जी ने कहा है कि भाई प्रेशर तो खिलाड़ियों पे एक हद तक के रहता ही रहता है, क्योंकि जब इस तरीके का माहौल जब बनता है, हर कोई कहता है कि भाई हम इनके साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच जीतना ज़रूरी है, मगर जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो हम एक दूसरे मैच के जैसे ही हम लेते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से नहीं खेल रहे हैं, किसी और टीम के साथ जैसा खेलते हैं उसी तरीके का हमारी सोच रहती है, खिलाड़ियों की भी यही सोच रहती है। मगर जो माहौल अतराफ जो बनता है, घर में जो बनता है, घरों में जो बनता है, ग्राउंड पे जो बनता है, हर कोई यही चाहता है कि भाई हमारा देश जीते। अंशुमन गायकवाड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 1999 में करगिल युद्ध वाला जो सबके जहन पर था, और उस वक्त हर आदमी ये चाहता था कि कुछ तो, एक बड़ा वर्ग ये चाहता था कि मैच ही ना हो, उतना उस वक्त आप पर कितना दबाव था एज ए कोच? देखो, दबाव तो था, कोच के नाते तो दबाव था, मगर निखिल को आप पूछो कि मैंने एक काम तो ज़रूर किया वहाँ पे कि इनके ऊपर दबाव नहीं आने दे कोई प्लेयर्स को, कि जो कुछ चल रहा था बाहर वो ड्रेसिंग रूम में नहीं आना चाहिए। यानी कोई अखबार, कोई रेडियो, कोई टीवी खबर, कोई कुछ नहीं? आप कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हम सिक्योरिटी भी काफ़ी सिक्योरिटी लगी हुई थी क्योंकि वॉर चल रहा था इसके लिए। मगर देखो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, आपको पता तो चल जाता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, थोड़ा तो दिमाग में आ ही जाता है। मगर मैं यही ध्यान रखता था वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में कि कोई थोड़ा सीरियस हो जाए, या तो कोई कुछ ऐसा लगे एक्सप्रेशन कुछ अलग से लग रहे है, मैच पे ध्यान नहीं है, तो मैं जाके बैठ जाता था। मैं बोला आराम कर, क्या हो रहा है, क्या अलग सी बातें करते थे हम, तो उनको रिलैक्स रखने का मेरा काम था, और जो मैंने कर दिया। और ये बच्चों ने जाके जो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के साथ, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेले और हम मैच जीत गए थे। निखिल जी, जब आप मैदान में उतरे और जिस तरह से जो माहौल आपने चारों तरफ देखा, उसका कितना आप साइकोलॉजिकली उससे प्रभावित हुए? देखिए, फ़र्क ये, जैसे आप मैदान में पैर रखते हैं ना, तो फिर बाहर की चीज़ें, बाहर का दबाव जो वो ख़त्म हो जाता है, फिर आप अपनी लड़ाई के बारे में सोचते हैं, बैट और बॉल के, आपके जो प्रोसेसेस हैं, आपने किस चीज़ पे अभ्यास किया है, किस काम पे आपने काम किया है, आपने किस खिलाड़ी के खिलाफ क्या रणनीति बनाई है, फिर वो दिमाग चलता है उस रणनीति के ऊपर अमल करने की, फिर आप बाहर का दबाव बिल्कुल भूल जाते हैं। मैच स्टार्ट होने से पहले आपको दबाव होता है, मैच एक बार शुरू हो जाए ना, फिर तो मुकाबला बैट और बॉल का है, फिर तो आदमी ये कहता है कि मौका मिला है, फिर वो दबाव नहीं रहता, फिर वो दबाव अवसर में बदल जाता है। राजकुमार जी, क्या लगता है कि जिस तरह आप मैच पर आते हैं, इस मैच में क्या लगता है, जैसे ओवरकास्ट कंडीशन और थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग की, और दोपहर बाद बारिश की भी उम्मीद व्यक्त की जा रही है,
क्या भारत एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाएगा एक स्पिनर की कॉस्ट पर? देखिए बिल्कुल, अगर ओवरकास्ट रहा तो बिल्कुल मनोज जी आपने ठीक कहा है, हो सकता है कि भारत टेम्प्ट हो एक स्पिनर को, कुलदीप यादव को बिठाकर मोहम्मद शमी को शायद इंक्लूड किया जाए टीम में, और ओवरकास्ट कंडीशन है तो शमी कैन बी ए बेटर ऑप्शन। आपने सलामी बल्लेबाज के तौर पर भी आप रहे, आपने बीच में ओपनिंग भी किया है, क्या कहेंगे आप जैसे शोएब अख्तर साहब ने कहा है कि जो भारत की जो सलामी जोड़ी है उस पर अगर वो नहीं चली या जो हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चला तो भारत को ध्वस्त करना हराना बहुत आसान काम हो जाएगा? ये तो कुछ नई बात नहीं की मनोज जी, ये तो सारे यही बात करते हैं। छह बैट्समैन टीम में खिला रहे हैं उसमें से तीन नहीं चले, 50% वैसे ही वो तो किसी भी टीम के साथ होगा। लेकिन वो तो जीत की गारंटी ले रहे हैं कि पाकिस्तान निश्चित जीतेगा अगर उनका टॉप ऑर्डर चला नहीं चला तो उसी तरह से भारत भी वही सोचता है कि उनके टॉप ऑर्डर नहीं चला तो हम भी जीत जाएंगे। नहीं देखो ये तो एक तो ये बेसिक बात होती है क्रिकेट में कि टॉप ऑर्डर अपने जो सलामी बल्लेबाज है जो अच्छी शुरुआत देते टीम को वो शुरुआत न मिले, ठीक है, जो शुरुआत नहीं मिली और विकेट झटके तो एडवांटेज रहता है अपोजिशन को, तो उसी वजह से ये कह रहे, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है, ये तो हर एक टीम यही सोचती होती है। चलिए स्विंग के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जो वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की जो स्पिन बॉलिंग स्विंग बॉलिंग है वो कितनी, खासकर रोहित शर्मा के लिए कितनी चैलेंजिंग होने वाली है? मनोज जी हमने अभी बात कर रहे थे, मैं और निखिल और हम लोग बात वही कर रहे थे कि देखो लेफ्ट आर्म जो बॉलर गेंदबाज है, ये दोनों गेंदबाज आप उन्हें रोहित के लिए तकलीफें तो खड़ी की थी, पास में आप देखो उनको आउट भी किया है, जो गेंद स्विंग होके अंदर आती है वो उनको तकलीफ करती है, तो वो तो यही सोचते होंगे कि ये गेंदबाज जो है वो उनको जल्दी आउट कर ले, मगर साथ साथ में ये बात भी है मनोज जी कि अब तक जितनी मैचेस हुई उस वो मैचेस में हमको बॉल स्विंग होते दिखा नहीं जी, तो शायद बॉल न स्विंग हो तो वो एडवांटेज जो वो सोच रहे मोहम्मद अमीर वो शायद नहीं मिल सकती। किरमानी साहब उनकी जो टॉप ऑर्डर है जिस तरह से बाबर आजम है, फ़खर जमान बिल्कुल चलते ही नहीं है, चलते हैं तो पारी जिता कर आते हैं, और इमामुल हक जो हैं वो अक्सर हमने देखा बहुत ख़राब शॉट पे आउट हो रहे हैं, क्या कहेंगे उनके, उनको कैसे रोकने का क्या तरीका हो सकता है टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का? इनका पहला मैच जो हमने देखा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 104 पे ऑल आउट हो गए, और दूसरे मैच में इन्होंने टॉप ऑर्डर के एक से लेके पाँच तक के 40-30-40 अच्छे फॉर्म पर आ गए इंग्लैंड के खिलाफ। जी 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 इंग्लैंड के खिलाफ, तो हम यही समझते हैं कि भाई इनकी जैसे कि मौसम को अनप्रेडिक्टेबल कहा जो जाता है तो उसी तरीके से पाकिस्तान की टीम भी अनप्रेडिक्टेबल है, पहले मैच में ज़ीरो और दूसरे मैच में हीरो, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब समय ही बतलाएगा कि कौन कितने फॉर्म पे है, अगर 50 ओवर खेले गए तो जी मैच अगर छोटा होता है तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए मैच अगर छोटा होता है तो भारत को नुकसान होगा, और क्योंकि ऐसा हम लोग काफ़ी देर से डिस्कस भी कर रहे हैं कि अगर जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है उसको नुकसान होता है, और भारत एक बेटर टीम है और फेवरेट टीम है मैच जीतने के लिए, तो जितना ये मैच कट शॉर्ट होता है और जिस तरह की तकनीक है भारतीय बल्लेबाजों की तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अब समय लेते हैं, टेक्निकली करेक्ट हैं, वो करेक्ट शॉट्स खेलते हैं, पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज़, वो जाके वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और जितना छोटा मैच होगा वो चांस लेंगे, और अगर बाई चांस उनके लगे तो नुकसान कर सकते हैं। विराट के मन में क्या चल रहा होगा इस समय? नहीं विराट देखिए बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको कोई ऐसा बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रहा वो, ना ही वो टीम को ऊपर प्रेशर आने दे रहा है कि वहाँ पर है जी तो बड़ी रिलैक्स है भारतीय टीम, क्योंकि शानदार क्रिकेट खेल रही है, अपनी एबिलिटी पर भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है भारतीय टीम को, तो उन्हें कोई चिंता नहीं है, बस चिंता है सिर्फ वेदर की। निखिल भारतीय टीम की जो फील्डिंग है काफ़ी अच्छी देखी गई है पीछे, और कितना आपको लगता है कि हम तीनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान पर कितने हावी होने वाले हैं? देखिए अगर आप मैन टू मैन भी बात कर लें तेज़ गेंदबाज के साथ तेज़ गेंदबाज की तुलना कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह विश्व के नंबर वन गेंदबाज है और वो विश्व के नंबर वन ICC रैंकिंग, उन्होंने जिस तरीके से हर मुकाबले में पिछले साल 18 महीने लगातार निरंतरता से परफॉर्मेंस करते रहे इसीलिए उनको वो रैंकिंग मिली है। भुवनेश्वर कुमार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, चहल ने पिछले दो मुकाबले जो भारत ने खेले 6 विकेट निकाल लिए हैं, बैटिंग के लिहाज से 2 शतक बने हैं भारतीय टीम से, और दोनों अलग अलग खिलाड़ियों ने शतक बनाए हैं, 82 रन कप्तान ने बनाए हैं, 48 पे
हार्दिक पांड्या ने उस मौके का फ़ायदा उठाया जब उनको चार नंबर पे भेजा था, वो भी एक बहुत अच्छा एक मूव था। जब आपका सलामी बल्लेबाज ने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया मध्यक्रम को जाके कि अपने लाइसेंस के साथ आप फुली अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म में है, छोटी सी एक पारी खेली महेंद्र सिंह धोनी ने, लेकिन उस पारी का फ़ायदा क्या हुआ, 27 रन बनाए 14 गेंदों में, तो वो दर्शाता है कि अंत के ओवर्स में मोमेंटम भारतीय टीम की तरफ आ जाता है। आप फील्डिंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-3 कैच छोड़े थे, काफ़ी कैचेस, तो वही फ़र्क है। और भारतीय टीम, सपोर्ट स्टाफ, विराट कोहली सब जानते हैं फील्डिंग भी क्रिकेट का एक बहुत अहम पहलू है। सीधी सी बात है, हार और जीत जब एक रन से फ़र्क डाल सकती है तो एक रन भी बचाना ज़रूर है, ये विश्व कप है। और वैसे भी मोहम्मद आमिर जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि शोएब अख्तर या वसीम अकरम की तरह नहीं बल्कि स्निक ज़्यादा लगते हैं उनकी बॉलों पर, और उनके पास स्लिप का स्पेशलिस्ट फील्डर के तौर पर एक बाबर आजम ही है। हाँ ठीक है, मगर देखो आप कैचेस दोगे तब कैच पकड़ेंगे ना कैच ही नहीं दिए तो कहाँ से कैच पकड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से बल्लेबाजी जो है, भारतीय बल्लेबाज है या तो पाकिस्तान के गेंदबाज है, ये कितने असरदार रहते हैं वो कल देखना है। और ये रहेगा, निर्भर करेगा जिस तरह का अपना वेदर किस तरह का रहता है, बारिश होती नहीं होती, गेम 50 ओवर मिलता है या तो 20 ओवर का गेम मिलता है, या तो गेम शुरू होगा और फिर बाद में बारिश होगी तो डकवर्थ लुईस सिस्टम वापस आएगी तो उसमें ओवर्स कम हो जाएगी, एवरेज बढ़ सकता है, एवरेज कम हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और जिस तरह का अभी भी बारिश हो रही है वहाँ पर मैनचेस्टर में, तो देखना कल है कि किस तरह से वेदर रिपोर्ट। चलिए अंशुमन सर, चलते चलते बस एक सवाल, आखिरी सवाल, कि अब ऐसा देखा गया है कि जो सिलेक्टर्स हैं, नहीं मैं चलते चलते कह रहा था, सिलेक्टर्स और जो टीम मैनेजमेंट है दोनों एक पेज पर नहीं दिखाई दे रहे, खासकर एक रिप्लेसमेंट को लेकर, शिखर धवन के रिप्लेसमेंट को लेकर। तो जैसे वो चाह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट की शिखर धवन को अभी रोका जाए, सेमीफाइनल तक उनका इंतजार किया जाए अगले 12-13 दिन तक, जैसे संजय बांगड़ ने कहा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वहीं जो हमारे तीन सिलेक्टर्स वहाँ पहुँच गए हैं उन्होंने कुछ ऋषभ पंत के पक्ष में कुछ बातें कही हैं, तो ये जो एक पेज पे ना होना, ये कितना आपको लगता है आखिरकार चलेगी किसकी, सिलेक्टर्स की या टीम मैनेजमेंट की? नहीं देखो, ये है ना, ये इंडिविजुअल व्यूज़ है, एक सिलेक्टर्स के व्यू होते जी, एक कोच कप्तान के व्यू होते जी। मैं प्लेयर के नाते मेरे को पता है कि सिलेक्शन कैसा होता है और प्लेयर को किस तरह की सोच होती है। बाद में मैं सिलेक्टर बना, सिलेक्टर बनने के बाद मेरे को ये भी पता चला कि प्लेयर के दिमाग में क्या होता है, तब मेरे को पता चला कि मैं जब प्लेयर था तब जो मैं सोचता था वो गलत था। अब चयन करता के नाते ओवरऑल आप देखो कि टीम के इंटरेस्ट में देखो, कॉम्बिनेशन देखो। कभी ऐसा नहीं लगा कि आप एज ए चयन करता गलत हैं, प्लेयर्स शायद ठीक होते हैं? नहीं, वही तो मैं लगा ना कि प्लेयर्स गलत थे, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि एज ए चयन करता आप गलत हैं, एज ए प्लेयर शायद आप ठीक थे? नहीं देखो, अब तीसरी बात बताता हूँ, जब मैं कोच बना तो एज ए प्लेयर, एज ए सिलेक्टर, चयन करता हूँ और फिर कोच। अब कोच को क्या चाहिए, ये जो आपने बात की ना कि कोच का कप्तान बोल रहे कि शिखर धवन के लिए हम रुकेंगे, सिलेक्टर बोल रहे, चयन करता बोल रहे कि नहीं, कि उनका व्यू ऐसा है कि नहीं आप ऋषभ पंत को ले लो अंदर, ठीक है जी। मगर देखने वाली बात यह है कि अल्टीमेटली आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि ये एक व्यूज़ बाहर निकल आते, मगर जब डिसीजन लेते हैं ना तो कप्तान कोच 99% में, आपको बताता हूँ, जो कप्तान कोच को चाहिए उसी तरह से हो। मतलब कहने का कि रवि शास्त्री और विराट कोहली का फैसला अंतिम होगा। आपसे एक सवाल, दिनेश कार्तिक या विजय शंकर? मैं दिनेश कार्तिक को लूँगा क्योंकि वो ऑन ऑलराउंड बेसिस अगर देखा जाए उनको ज़्यादा तजुर्बा है, और विजय शंकर को बहुत ही कम तजुर्बा है, और खिलाना भी नहीं चाहिए विजय शंकर को क्योंकि ये बहुत ही प्रेशर का मामला है। राजकुमार जी, आप विजय शंकर के ये दिनेश कार्तिक ये विकेट कीपर है ना, इसके लिए उनका समर्थन कर रहे हैं, ये कोई दूसरा कोई रीज़न नहीं है। नहीं, अब इनका भी जान लेते हैं क्योंकि विराट कोहली भी उनका समर्थन करते रहे हैं विजय शंकर का, तो विराट कोहली का कोच साहब का क्या कहना है कि विजय शंकर क्या उपयोगी साबित होंगे टीम के लिए? बिल्कुल, बहुत उपयोगी साबित होंगे और वही पहली चॉइस थे पहले भी नंबर 4 के लिए, और ही इज़ द आइडल मैन फॉर नंबर 4। लेकिन उनको तो उनके जो रणजी टीम है वो भी उनको बॉलिंग नहीं देती, उनको IPL टीम भी उनको बॉलिंग नहीं देती, तो इंडियन टीम में वो बॉलिंग के ऑप्शन कैसे बन सकते? केदार जाधव ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी गेंदबाजी नहीं की और आज वो इंडिया के एक बहुत शानदार गेंदबाजों में माने जाते हैं, जो कि बहुत यूटिलिटी उन्होंने प्रूव की अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में। बहुत सारे इस टीम में भी एक दो बल्लेबाज ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो शायद अपनी स्टेट के लिए इतना अच्छा नहीं किया जो उन्होंने भारत के लिए किया। निखिल, आपका व्यू इस बारे में? किस बारे में जनाब? यही
जो बॉलिंग को लेकर विजय शंकर, अंतिम सवाल विजय शंकर की बॉलिंग, उनको बॉलिंग नहीं मिलती, उनका स्टेट उनको नहीं पूछता, उनकी आईपीएल टीम उनको नहीं पूछती बॉलिंग के अंदर, और भारतीय टीम में हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो ऑलराउंडर के तौर पर उम्मीद में जगह बनाएंगे। उम्मीद पे दुनिया का है, उनका चयन हुआ है पहले बतौर बल्लेबाज और फिर गेंदबाज। उनको जो न्यूजीलैंड में गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा था तो उनको देख रहे थे कि क्या उनको जो किरदार दिया जाएगा, जो उनको रोल दिया जाएगा अगर विश्व कप में, तो क्या वो गेंदबाजी कर सकते हैं या नहीं। बड़े पैमाने पे या बड़े मंच पे नाचने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अभ्यास भी करें। तो विश्व कप में जाने से पहले न्यूजीलैंड में उनको तभी गेंदबाजी कराई थी, पर उनका जो प्रमुख जो एक कोर स्ट्रेंथ है वो बल्लेबाजी ही है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो है पाकिस्तान को ध्वस्त करेगी और वही सब कुछ करेगी जो पहले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में करती रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद हौसला है, अग साडे सीने च जित ले ओ